आज मैं रेड फैक्टर सनकनूर के बारे में थोड़ा बात आपके साथ शेयर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड फैक्टर सनकनूर, नॉर्मल सनकनूर डिफरेंस क्या है और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, और उसका मैच्योरिटी एंड ब्रीडिंग के वक्त सोचने का चीज़ क्या है, और उसका बच्चा कैसे आएगा, मीन्स उसका कलर पैटर्न क्या है, उसके बारे में और कॉमन चीज़ में थोड़ा आपके साथ बात करेगा। अभी रेड फैक्टर सनकनूर एंड नॉर्मल सनकनूर कैसे डिफरेंस क्या है, एक्चुअली उसका डिफरेंस है वो कलर है, दूसरा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसका कैरेक्टर हो या उसका ब्रीडिंग सेटअप हो या उसका खाना हो और उसका लाउड साउंड हो, वेट हो, कुछ भी फर्क नहीं है। खाली उसको देखने के लिए फर्क है, वो है रेड फैक्टर थोड़ा रेड ज़्यादा आता है। नॉर्मल सनकनूर तो अब हम लोगों को तो पता है, वो उसका थोड़ा ज़्यादा येलो आता है, यही फर्क है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, रेड फैक्टर सनकनूर एंड नॉर्मल सनकनूर? नॉर्मल सनकनूर का चेस्ट पार्ट है वो थोड़ा मिक्स होता है, कलर ऑरेंज हो या येलो हो, थोड़ा हेड में थोड़ा रेड या येलो ऑरेंज ऐसा आता है, लेकिन रेड फैक्टर सनकनूर का चेस्ट पार्ट टू हेड है एक ही कलर आएगा, शायद ज़्यादा रेड हो या थोड़ा रेड कमी हो फिर भी एक ही कलर आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। और उसका चेस्ट फेदर पार्ट में नॉर्मल सनकनूर का थोड़ा ज़्यादा येलो इश और थोड़ा ग्रीन आता है, रेड फैक्टर का रेड तो आ जाएगा और 60-70% रेड हो या येलो भी आ जाएगा और ग्रीन आएगा। तो ऐसा ही हम लोगों को तो फर्क तो मालूम पड़ सकता है। अभी इसका मैच्योरिटी के बारे में और ब्रीडिंग के वक्त सोचने का थोड़ा चीज़ है, उसके बारे में मैं बोलेगा। मैच्योरिटी सनकनूर की तरफ हम लोगों को पता है 18 मंथ से होता है, फिर भी आप लोग 2 साल से ब्रीड करेगा तो अच्छा है, वो तो बर्ड थोड़ा हेल्थी रहेगा। और कभी भी रेड टू रेड पैर मत करो, वो लेथल जीन है, वो ब्राउन 6 आएगा, वो तो आपका आंख का नज़दीक से वो मर जाएगा, और 4-5 महीने से वो डे बाई डे वीक हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए कभी भी पैर अप करने का है रेड टू नॉर्मल पैर करो। हम लोग तो चिक मिलेगा, 4 चिक मिलेगा तो उसमें तो 2 तो रेड आ जाएगा, 2 नॉर्मल आएगा, वो लग बाई चांस है। कभी भी पूरा भी रेड मिलने के लिए चांसेस है, कभी बिल्कुल नहीं मिलने का भी चांसेस है। अभी इसका कलर का पैटर्न मैं थोड़ा दिखाएगा। मैं अभी थोड़ा आपको एक रेड फैक्टर का कलर कैसे होता है उसको मैं दिखाएगा। देखो ये एक मेरा 6 मंथ का रेड फैक्टर है, देखो इसका हेड टू फेदर पार्ट पूरा रेड ही आएगा, इधर थोड़ा थोड़ा कुछ येलो आएगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा रेड फैक्टर है, इसलिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है। उसका चेस्ट पार्ट मैं दिखाएगा, ये देखो इधर से देखकर हेड तक पूरा एक ही कलर आएगा, यही है रेड फैक्टर। காற்றின் முத்தங்களில் கரள் குளிர் தாராரோ, மதுரமாய் பாடும் மணி சங்குகளாய் காதில்